डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ लोरियल पेरिस का वो हेलुरोनिक एसिड। ये 1.5% हेलुरोनिक एसिड, इसका मैं फुल रिव्यू दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं ये कैसा लगा मुझे, ये कैसा है, इसका प्राइस क्या, मैं सब फुल आपको डिटेल रिव्यू दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे अंत तक बने रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो गाइज, तो ये हेलुरोनिक एसिड है, 1.5% लोरियल पेरिस का हेलुरोनिक एसिड है। तो मैंने ख़रीदा था, आई थिंक आज से मैंने 3-4 महीना पहले ही इसे परचेज किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा ख़त्म कर दिया, ये पूरा मेरा बोतल ही ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा नीचे का हल्का सा थोड़ा सा बचा है बस। तो ये मैंने आई थिंक मैंने 430 में ख़रीदा था। इसका प्राइस है गाइस 449 है, और ये 449 मतलब 449 में ही मैंने ख़रीदा था, और इसके बड़े वाले बोतल का दाम जो है वो 849 अप्रॉक्स है। आप नायका या अमेज़ॉन में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 449 में ख़रीदा था गाइस, और ये 15 ml का है, और 30 ml का भी आता है, वो 849 या 849 के समथिंग आता है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मैंने नायका से इसे परचेस किया था। तो ये 1.5% हेलुरोनिक एसिड है, और हमारे जो स्किन में है बस 1.5% ही हेलुरोनिक एसिड की ज़रूरत होती है। वैसे हमारा बॉडी जो है खुद से ही जनरेट करता है हेलुरोनिक एसिड, बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हेलुरोनिक एसिड जो है वो कम होते रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हेलुरोनिक एसिड लेते हैं ताकि हमारा स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे, ठीक है। तो ये अब ये इसका कंसिस्टेंसी कैसा है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये इस तरह से बूंद लेना है, बस 2 बूंद लेना है आपको। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं गाइस, और ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे करके आपको टैप टैप कर लेना है, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही करती थी, आई थिंक 2 महीना मैं इसे यूज़ करी, 2 महीने में मेरा ख़त्म हो गया गाइस। मैं तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करती थी, वरना अगर मैं डेली यूज़ करूँ तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता, बट मैं अल्टरनेट डे ऐसे ऐसे करके यूज़ करती थी। तो मेरा ये 2 महीना चला, उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं ये पूरा ख़त्म हो गया, और ये मेरे स्किन को ज़रूर इसने मॉइस्चराइज किया है, बट ये ऐसा और उसके अलावा कुछ भी नहीं करता कि आपके पिगमेंटेशन को ये रिड्यूस करेगा, आपके जो एक्ने स्कार्स हो जाते हैं उसे रिड्यूस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपको बस ये है कि आपको बस मॉइस्चराइज देगा, और कुछ भी मॉइस्चराइजिंग के अलावा और कुछ भी नहीं देगा। तो हम इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, तो मॉइस्चराइजिंग तो हम लोगों को, अच्छे मॉइस्चराइजर भी लगाएंगे तो हमको मॉइस्चराइजिंग मिल जाएगा, तो हम इसमें क्यों पैसा इन्वेस्ट करें गाइस। तो मैं इसे नहीं समझती हूँ, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। उतना कुछ खास नहीं कि आपके पिगमेंटेशन को रिड्यूस करे या आपको स्मूथ स्किन दे, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ गाइस, रियली बता रही हूँ, मुझे ये बिल्कुल वर्थ नहीं लगा। आप 449 में कोई सामान ले रहे हो भी, छोटा सा पैकेट, तो कुछ तो वर्थ होना चाहिए ताकि आपकी स्किन ब्राइट रहे, वैसा कुछ नहीं गाइस। बस हल्का सा ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, दैट्स इट, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। मैं आपको कभी भी गलत रिव्यू नहीं दूंगी गाइस, वो आपको मॉइस्चराइज से भी मिल जाएगा, तो आप इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करें गाइस। तो इसीलिए मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। होप करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।